राजसमंद जिले के रेलमंगरा थाना क्षेत्र में धनेरियागढ़ में एक युवक की आंजना गांव के पास खड्डे में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर दरीबा पुलिस चौकी अधिकारी जवान पहुंचे, जिसके साथ मौके पर आवश्यक साक्षी भी जुटाए। लाश मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। मौजूद लोगों ने धनेरियागढ़ निवासी नरेश यादव का शव होना पुलिस को बताया। सूचना मिलते ही नरेश के परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव नरेश का होने की पुष्टि की। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को रेलमंगरा सामुदायिक चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक के भाई रंजीत यादव ने पैसों के लेन देन के चक्कर में दरीबा निवासी राकेश हरिजन व अन्य साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। रेलमंगरा थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की। रेलमंगरा सामुदायिक चिकित्सालय में बाहर खड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों सहित विभिन्न संगठन पार्टियों नेताओं व कार्यकर्ताओं का जमा हो गए। लोगों ने थाने के घेराव करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, मृतक परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हॉस्पिटल परिसर के बाहर यादव समाज के लोग विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता के साथ मिलकर धरना देंगे, जिसको लेकर पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। घटना से भी पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाए गए हैं। पूरी वस्तु स्थिति पहलू की जांच होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतक परिवार को 50 लाख का मुआवजा, आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर खड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम नहीं करवाकर रेलमंगरा सामुदायिक चिकित्सालय के बाद जमे हुए हैं। मेरे भाई को कुछ राकेश हरिजन ने घर पे बुलाया, उसके साथ मारपीट की, उसके वीडियो बनाया उसी ने और मेरे मम्मी से बात करी। उसने मारपीट करने के बाद में वो 7:30 बजे तक हमसे बात हुई, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। और कल मैंने उसके वो संभालने के लिए उसके ये रिपोर्ट भी कराई गुमशुदा की। उसके 10 बजे बाद में मैंने उसको संभाला भी था, मुझे नहीं मिला। आज सुबह करीब 7 बजे के लमसम मेरा फ़ोन आया और वहाँ खड्डे में पड़ा हुआ था। तो इसको शंका लेके हुए कि राकेश हरिजन ने ही मारा है इसको, और इन्होंने इनका ग्रुप है पूरा, इनके जो जो टच में इन सबको बुला इनको सजा दिलाई जाए। राकेश हरिजन जो आप नाम बता रहे हैं जी, को लेके मतलब इनके बीच कोई आपसी मतभेद था? कोई पैसे वैसे का मांग तांग था तो वो बोल रहा है 4 साल से था, वो मेरे को जानता है तो मेरे को बोल सकता था 4 साल से मैं इससे पैसे मांगता हूँ, तो मैं देने के लिए तैयार था उसको, पर उसने नहीं बताया। उसके साथ मारपीट की और ये आज ये घटना हुई है। मरने वाला क्या नाम था? नरेश यादव, मेरा भाई है बड़ा वाला। कितने समय से यहाँ नहीं था? पैसे का लेन देन करा था, 13-14 वर्षों से था, तो वो यहाँ नहीं रहता था? यहीं रहता था, यहीं रहता था। अब आप क्या चाहते हो पुलिस से? बाहर थाने के बाद मुझे इसका सब पूरा ग्रुप बुलाया जाए और मेरे को सहायता दिल्ली जाए। ये कोई गुमशुद की दर्शती और बॉडी मिली है, इस मामले में क्या बताया जा रहा है? आज प्रातः 7:30 बजे करीब सूचना मिली कि आंजना गांव के पास में रोड के सारे एक गड्ढे में पानी भरा हुआ, जिसमें एक बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची, बॉडी की पहचान कराई गई तो ये धनेरियागढ़ का नरेश यादव नामक युवक की निकली, जो जिसकी कल ही गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी। नरेश परसों शाम से ही घर से कहीं गया हुआ था, जब वापस नहीं आया, उसका फ़ोन भी स्विच हो पा रहा था और लोकेशन कोई मिल नहीं पाई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी मिली है, बॉडी पानी में फूली हुई है। परिजनों द्वारा कोई राकेश हरिजन है दरीबा का, उसके ऊपर डाउट किया जा रहा है कि वो रुपये पैसे मांगता है, उसके पास गया भी था और उससे मिला भी था। तो परिजनों द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। परिजनों का कहना कि एक उक्त व्यक्ति ने अपने एक संगठित है, उनका संगठन है, उनके साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी थी, इस बारे में इस संदर्भ की रिपोर्ट नहीं है। ऐसा कोई संगठन उंगठन की बात तो नहीं आई है। ब्याज खोर है वो हरिजन है, ब्याज में रुपये देता है, तो उसके ऊपर डाउट किया जा रहा है, ये भी जाँच की जा रही है, जो भी स्थिति होगी स्पष्ट बात।